कुछ 1971 में जो भारत पाक युद्ध भयो कौन सी पर यही वाची शब्द आ रहे हैं जीएसके भैया कॉमनवेल्थ पूछो 2018 का कॉमनवेल्थ कहां हुआ था। आज है 11 तारीख और 11 तारीख में SSCJD की जो चौथी शिफ्ट है उसके बच्चे छूट चुके हैं और बच्चे आने वाले हैं, उनसे जानेंगे कि कैसा पेपर रहा। तो बच्चे आने लग रहे हैं, उनसे जानते हैं कैसा पेपर है। भाई पेपर के बारे में बता दे बाबू कैसा रहा। भाई 2 मिनट रुक जा बस, तू फिलहाल करता जी पेपर बता दे क्या। अरे क्या यार वो GS वगैरह कैसी आ रही है। GS मतलब सही है, ज्यादा मतलब पिछले पुराने क्वेश्चन नहीं पूछे। और मैथ का क्या हिसाब था। मैथ भी इजी है हल्का ही। हाँ कोई क्वेश्चन याद हो। कोई क्वेश्चन क्या, ये टाइम एंड वर्क के आए क्वेश्चन कुछ। GS के क्वेश्चन याद है कुछ। GS का जीएस का तो ऐसा साथ याद है कोई और कोई भी क्वेश्चन हिंदी वगैरह का हिंदी के पर यही वाची शब्द आ रहे हैं। चलो कोई क्वेश्चन याद है क्वेश्चन बता जो भी याद है। कौन सा क्वेश्चन बताऊं बताऊं काय को बताऊं। जीएस वगैरह के हिंदी के कोई क्वेश्चन। जीएस के भैया कॉमनवेल्थ पूछो 2018 का कॉमनवेल्थ कहां हुआ था। अच्छा कितने अटेम्प्ट करे वैसे तुमने। जी कितने अटेम्प्ट करे कुछ सामान्य करें जी। मैं 57 तो मैं कुछ हार्ड हुआ या नॉर्मल है। मैं हार्ड हूं कुछ क्वेश्चन सही है कैलकुलेटिव में। कैलकुलेटिव में अच्छा तो करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन है। करंट अफेयर के मैंने करे भैया 8 क्वेश्चन करे 8 या 9 क्वेश्चन टोटल। वो तो जीएस में आ रहे होंगे ब्रांड एंबेसडर वगैरह आ रहे ब्रांड एंबेसडर ना वो कुछ खाली एक नृत्य आयो ज्योग्राफी के ज्योग्राफी ज्योग्राफी को कुछ क्वेश्चन ना हो भाई नहीं ज्योग्राफी। और कोई क्वेश्चन याद हो और क्वेश्चन कौन सा तो याद है ना। कोई भी क्वेश्चन याद हो वो पूछिए। 1971 में जो भारत पाक युद्ध भयो कौन सी पंचवर्षीय योजना योजना हुआ है। अच्छा अच्छा तो और हिंदी के हिंदी हिंदी बढ़िया बल्कि आ रही है। कितने करे जा रहे हैं हिंदी में। 20 पूरे 20 के 20 हिंदी बढ़िया आई है। और बताओ कोई और मैं थोड़ा कैलकुलेट मैं तो पुस्तक वगैरह आ रही करंट अफेयर पुस्तक नहीं। एक पुस्तक आई शायद बुक आई एक बुक नहीं ब्रांड एम्बेसडर वगैरह ब्रांड में कुछ ना आया। पेपर बढ़िया आ रहा करने लायक जीएस वगैरह क्वेश्चन याद हो। जीएस थोड़ी सी टफ है। जीएस पढ़ने का कोई फायदा ना है ऐसी आई है। पढ़ो तो सही ना पढ़ो तो सही जीएस ही नॉर्मल अच्छा है। कलिंग से रिलेटेड है वैसे तो उसमें 67 क्वेश्चन करके हम टोटल बस जीएस ही ना हो पाई है। दो क्वेश्चन है कलिंग से रिलेटेड मतलब सम्राट उसका आसान है बाकी इजीली बहुत आसान सब आसान है। बाकी हिंदी में कितने क्वेश्चन कर लिए। हिंदी में 19 हो गए बाकी जो नया सिलेबस आया ना उसमें क्रिया विशेषण जो जोड़े बस इसी को पढ़ ले बच्चे जो बता रहे नए आ रहे हैं। बड़ी डिजिट ऐसी कोई नहीं आई आज के में मैथ आसान थी। एक क्वेश्चन छोड़ा है वो भी ऑप्शन देख के मैंने स्किप कर दिया था इसलिए और बैठे बैठे बाद में 10 सेकंड में हो गया सवाल। 18 की भी आई है 19 की भी आई है करें एक क्वेश्चन आ रही है बस जी के थोड़ी सी नहीं याद तो नहीं है क्वेश्चन वगैरह याद हो कोई याद नहीं कोई कोई भी क्वेश्चन याद नहीं जीएस वगैरह के। एक हुआ था नोट कौन जारी करता है इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला। अच्छा अच्छा और करंट अफेयर वगैरह कितने क्वेश्चन थे। यस बैंक से है कि यस बैंक का वो कौन है एक्स चेयरमैन। अच्छा एक नया क्वेश्चन आया था अभी जो मतलब कोरोना वाला था वो भी आया था इसमें मैथ में था 950 में खरीदा और उसको 1150 में बेच दिया तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ। अच्छा वो परसेंटाइल का प्रॉफिट करते हैं। और कोई कोई पुस्तक वगैरह ज्योग्राफी से कोई ज्योग्राफी से नहीं आया था हिस्ट्री से आया था एक कि शायद वो था कि जो मौर्य वो नहीं था किंगडम उस टाइम पे उसकी वो बहुत बड़ी थी तो वो मेन वो लोग कहाँ रहते थे जहाँ पे सिर्फ उनका राज होता था। तो भाई कितने अटेम्प्ट कर लिए टोटल। मेरे करीबन 20-22 मैंने नहीं किए बाकी किए। तैयारी कैसी करी थी ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन उससे रोजगार से यूट्यूब से कौन से चैनल से करती है बता दो सबसे जिससे जहाँ से मिल गया कोई पर्टिकुलर नहीं कोई। चलो तुम बताओ भाई तुमने कहाँ करी तैयारी। भाई मैंने ऑनलाइन करी थी। ऑनलाइन ही किससे करी। एग्जामपुर से करी थी। एग्जामपुर से चलो भाई कोई क्वेश्चन याद हो गया
भाई क्वेश्चंस भाई देखो ऐसा है, जो क्वेश्चंस मैंने पढ़े थे रोजगार विदंके से मैराथन मैंने ली थी। हाँ जी भाई, मैं आपको करेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता सकता, लेकिन जो मुझे पता है क्वेश्चंस आए हैं, बहुत हेल्प मिली है भाई उससे। मॉक टेस्ट वगैरह दिए भाई? हाँ जी, मॉक टेस्ट लगाए थे उसमें। मॉक टेस्ट में लगभग मेरे 57-58 क्वेश्चन हुए थे जो मॉक टेस्ट में लगा था रोजगार विदंकित के, लेकिन यहाँ पे लगभग 62-63 क्वेश्चन मेरे हो चुके हैं। मैं तो ठीक। हाँ जी भाई, जीएस का भाई ये पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन थे भाई। नदियों से कोई क्वेश्चन नहीं भाई। हाँ, डांस था। गोवा का पूछा गया था, गोवा का। भाई एक क्वेश्चन आया था 47 में संविधान संशोधन हुआ था उसका आया था। ठीक है भाई, धन्यवाद। तो आप लोग क्वेश्चन जो है जीएस के बच्चों को याद नहीं हो पा रहे, पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ के जाना है, पंचवर्षीय योजना से आ रहे और संविधान से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वे भी पढ़ के जरूर जाए। और नृत्य वगैरह, फोक डांस वगैरह और डांसर कलाकार वगैरह, इनके भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो वे भी आपको देख के जाने हैं एक बार, और बाकी हम आपको कल को दिखाएंगे। चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।